बिहार की सियासत में माह रमजान सबकी नजरें अपनी ओर आकर्षित करने लगा। कोरोना के चलते लंबे समय के बाद राजनीतिक इफ्तार पार्टी का आयोजन बिहार में किया गया। सत्तारूढ़ दल जदयू, हम और विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसका आगाज राजद ने किया। पार्टी में सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव फैमिली काफी करीब दिखाई दिए, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। इधर जदयू की इफ्तार पार्टी में शिरकत करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का खुद सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया और उन्हें ड्रॉप करने गाड़ी तक भी आए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की इन तस्वीरों ने चौतरफा सुर्खियां बटोरी। इन सब के बीच सियासी गलियारे में ऐसी बात कही जाने लगी है कि हो न हो सत्ता की खिचड़ी जरूर पकी है। दूसरी तरफ बीजेपी कोर्ट से एक और विधायक को मंत्री बनाने की मांग भी उठ खड़ी हुई। जमुई पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बीजेपी नेताओं ने विधायक श्रेयसी सिंह को बिहार सरकार में मंत्री बनाने की कर दी अपील। जी हां, आपको बता दें नित्यानंद राय को मामा और श्रेयसी सिंह को उनकी भांजी के रिश्ते का भी पता जनता को चला। अब सवाल उठे तो श्रेयसी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। श्रेयसी सिंह ने कहा कि एनडीए में कोई कहीं दरार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। राजनीतिक विचारधाराओं से अलग इफ्तार के मौके एक दूसरे से नजदीक या व्यवहारिक जीवन का सहारा सराहनीय पहलू है। मेरी मंत्री बनने को लेकर कोई डिमांड नहीं है। नेतृत्व जो फैसला लेगा वो स्वीकार है। जनता की सेवा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ रही है और आगे भी करती रहूंगी। जी आपको बता दें दावती इफ्तार और पूर्णिया में इथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन कार्य में व्यस्त सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में शनिवार को आयोजित केंद्रीय कानून मंत्रालय की बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। अब इस मसले पर भी सहयोगी बीजेपी के साथ सीएम नीतीश के संबंधों में तनाव के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यालय की अध्यक्षता भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन ने की। ये वही एनवी रमना है जो बिहार के शराबबंदी कानून को लेकर कई बार सख्त टिप्पणी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।